नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 106 है। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं, और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग के सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां से सारे कवर हो जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से भी जरूर कोशिश किया करिए दोस्तों सॉल्व करने का। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दोस्तों अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा जब मैं सॉल्व करूंगा तब देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और उस टाइप के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए तो देखिएगा। ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये कह रहा है, यदि 55 + 66 = 33 और 22 + 99 = 33 हो तो 44 + 88 = क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सबसे जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है, देखिएगा आप ये देखेंगे दोस्तों 55 और 66 को ये क्या किया है कि 33 लिख दिया है, 22 और 99 को दोस्तों क्या किया है कि 33 लिखा है। उसी प्रकार से दोस्तों, जैसे ये 33 33 लिखा है ना, उसी प्रकार से दोस्तों हम 44 और 88 को भी कुछ करके लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, करना क्या है, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये 55 है, ये 66 है, ठीक है। तो इस 55 को दोस्तों हम 11 से भाग करेंगे। किससे दोस्तों, 11 से भाग करेंगे तो होगा 11 25 55, और इस 66 है ना, इसे भी 11 से भाग करिए तो 11 6 66, और इन दोनों को दोस्तों जोड़ दीजिए। देखिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूं, 5 और 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 11 होगा। 11 हो रहा है तो इसको हमें 33 करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 11 ये क्या हो जाएगा, 33 होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अभी सेकंड वाला देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये 22 है ना, 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 2 = 22। ये 99 है ना, इसको भी 11 से भाग करिए तो 11 9 99। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 2 और 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 11 होगा, और इसको क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 होगा। देखिए 33 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखेंगे क्या ऐसे सॉल्व करने पे किसी ऑप्शन में आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये 44 है, 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 11 4 = 44। ये 88 है दोस्तों, इससे भी क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो 11 8 88। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4 और 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 12 होगा ना। अब 12 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें क्या करेंगे, फिर 3 गुना इसका कर देंगे, तो 12 36 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 44 + 88 बराबर क्या होगा, 36। देखिए 36 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट में दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। प्रश्न टेस्ट के तौर पे रहेगा, होमवर्क के तौर पे रहेगा, जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, वेन डायग्राम बनाना है। किसका दोस्तों, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन शब्दों पे विचार करेंगे जिनका वेन डायग्राम बनाना हो। कौन कौन से शब्द हैं, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। अब क्या विचार करना है इनका दोस्तों, देखना है इनका संबंध एक दूसरे से कैसे है, ठीक है। दिल्ली क्या है दोस्तों, भारत में है, ठीक है, दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। श्रीलंका क्या है दोस्तों, भारत में है नहीं, ये श्रीलंका दूसरा देश है। एशिया क्या है दोस्तों, एशिया के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, अब ये आपको देखना है दोस्तों, श्रीलंका एशिया के अंतर्गत आता है, दिल्ली एशिया के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो दिल्ली भी दोस्तों क्या है, ये भारत में है, ठीक है, और भारत एशिया के अंतर्गत आता है, और श्रीलंका क्या है दोस्तों, दूसरा देश है लेकिन ये एशिया के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे हम किसका,
एशिया का, एशिया का सर्कल हो गया। एशिया के अंतर्गत क्या आएगा, दिल्ली आ जाएगा। और क्या आएगा दोस्तों, श्रीलंका क्या होगा, ये भी एशिया के अंतर्गत आएगा, यानी अलग होगा, ये दिल्ली से सटा हुआ नहीं होगा, ये क्या होगा, अलग होगा, यानी कि ये अलग देश है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही रहता दोस्तों, यहाँ पे ये दे दे श्रीलंका की जगह क्या लिख देता दोस्तों, भारत। क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, भारत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, एक एशिया बनाएंगे, एशिया के अंतर्गत भारत, और भारत के अंतर्गत क्या होगा, दिल्ली, यानी इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, भारत रहता तो इस टाइप से बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, तो ऐसे बनेगा। ऐसे किस ऑप्शन में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर भारत रहता तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर ए सही होता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी दोस्तों फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हैं वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न तो हमेशा पूछे जाते हैं, सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंडर रूट ए एफ आई इज इक्वल टू एम अंडर रूट ए डी डी ए डबल डी इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, एल, तो अंडर रूट ए बी ए इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी जरूर कोशिश किया करिए दोस्तों सॉल्व करने का, इससे क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिस भी होगी और समझ में भी आपको ज़्यादा आएगा जब हम समझाएंगे तो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस किया करिए, और लास्ट में हमें ये भी बताया करिए आपको इन 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे, कितने आप नए सीखे, ये हमें कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट ए एफ आई लिखा है ना, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये अंडर रूट में क्या क्या है दोस्तों, ए एफ आई, ए कितने नंबर पे दोस्तों आता है बताइए, एक नंबर पे। एफ दोस्तों कितने नंबर पे आता है बताइए, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पे। और आई दोस्तों देखिएगा, आई जो है आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो अंडर रूट 169 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, अंडर रूट 169 यानी 169 हो गया। और अंडर रूट 169 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये किसका थी है, अंडर रूट है ये 13 का है, क्या है दोस्तों, अंडर रूट 169 का मतलब 13, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ये 13 आएगा। ठीक है, देखिए अब ये करना क्या है दोस्तों, ये 13 है ना बराबर में, देखिएगा ध्यान से, 13 पे कौन नंबर आता है दोस्तों, जैसे ए पहले पे आता है, पहले पे ए आता है, दूसरे पे भी आता है, इस प्रकार से 13 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, तो 13 पे दोस्तों ध्यान देंगे तो 13 पे आता है एम। ठीक है, तो इसको क्या लिख दिया है दोस्तों, एम लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अभी सेकंड वाला समझा रहे हैं और समझ में आएगा। ये देखिए अंडर रूट ए क्या है दोस्तों, ए डबल डी, तो ए की जगह 1 हो जाएगा, डी की जगह 4 4, अंडर रूट 144 का मतलब क्या होगा, 12, 12 पे दोस्तों कौन आता है, 12 पे आता है एल, तो लिख दिया है एल, समझ में आ रहा है। चलिए अब इससे लास्ट वाला देखिएगा जिसका आंसर हमें बताना है, ये क्या है दोस्तों, अंडर रूट ए बी ए, ए की जगह 1 हो जाएगा, बी की जगह 2 और ए की जगह 1, 121, अंडर रूट 121 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 11, और 11 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, 11 नंबर पे आता है के, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट ए बी ए का मतलब होगा के, क्या होगा के, देखिए के किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न यह है दोस्तों, यदि 264 देखिएगा, यहाँ 264 स्टार 2 बराबर 6 तथा 870 स्टार 3 बराबर 11 हो तो 735 स्टार 5 बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करने के लिए आसान तरीका समझा रहा हूँ, समझिएगा और अपने आप से भी जरूर कोशिश किएगा सॉल्व करने के लिए वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे 264 और 2 को दोस्तों क्या करें कि 6 हो जाए, 870 और 3 को हम क्या करें कि 11 हो जाए, उसी प्रकार से तो हम 735 और 5 को कुछ करके आंसर लाएंगे। देखिए अब यहां पे आसान तरीका समझा रहा हूं, समझिएगा ये क्या है दोस्तों, 264 क्या है दोस्तों, 264 है, और ये क्या है 2, तो हम इसको देखिए 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने का मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 से भाग करने का मतलब 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, ये क्या है 132, क्या है दोस्तों भाग करने पे
132 आया। अब देखिए 132 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 1, 3, 2। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, 1, 3, 4, 4, 2, 6, जोड़ने में क्या हुआ 6, और देखिए बराबर में 6 लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा, इसे क्या करेंगे दोस्तों 3 से भाग करेंगे, तो 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। ठीक है, होगा कि नहीं, समझ में आया। चलिए यहाँ पे क्या आया 290। अब 290 को क्या करेंगे, 29 और देखिएगा 290 है ना, तो 2 + 9 + 0, ठीक है, 9, 2, 9, 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही होगा, क्या होगा 11, और देखिए बराबर में 11 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप क्या करिए, 5 से 735 को भाग करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 × 5 और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। ठीक है, इधर 3 × 5 = 35, 5 × 7 = 35, 147 हुआ। 147 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 147, तो 147 को क्या करेंगे आपस में जोड़ लीजिए, 14 क्या होगा 5 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 12 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 735*5 = क्या होगा दोस्तों 12 होगा, 12 होगा, 12 देखिए किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है आपका, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो दोस्तों सेकंड वाले चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि वहां पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, सिंपल तरीका बताऊंगा, देखिएगा सेकंडों में सॉल्व होगा। पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहां पे दोस्तों अंक गायब है, यहां पे लास्ट वाले ट्रायंगल में देखिएगा, यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा विकल्प आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन यहां पे रखा जाएगा कि सही हो जाए। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका आप समझा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए, जैसे यहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहे हैं ना, तो पहले आप देखेंगे यहां पे 26 कैसे आया, पहले वाले में भी 26 कैसे आया, दूसरे वाले में 26 कैसे आया और पहले वाले में 26 कैसे आया, पहले ये दोस्तों आप पता लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा तीसरे वाले का भी आपको पता लग जाएगा कि यहां पे क्या होगा। तो देखिए यहां पे करना क्या है दोस्तों, यहां पे 26 को देखना है ना, तो आप देखेंगे 2, 4, 6 को हम क्या कर दे कि 26 हो जाए, तो 2 × 4 = 8, 8 × 6 = 48 होगा, अगर जो हम आपस में तीनों संख्याओं को गुना करें तो 48 हो रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों देखिएगा 4 और 6 को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा, और 24 में इस 2 को जोड़ दीजिए, 24 × 2 क्या हो जाएगा 26 होगा। चलिए आगे वाले को देखिएगा, 3 और 7 को दोस्तों क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, और 21 में इस 5 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 21 × 5 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे वाले को देखिएगा, 5 और 8 को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, और 40 में इस 4 को दोस्तों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 40 और 4 जोड़ने पर क्या होगा दोस्तों 44 होगा। देखिए 44 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा होमवर्क का क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आज का प्रश्न है, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा, जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा, और रीजनिंग का पार्ट नंबर 105 देख लेंगे दोस्तों, पार्ट नंबर 105 का दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, पार्ट नंबर 105 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में समझाऊंगा, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 105 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक यहां ऊपर आई बटन पे दे दिया दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 105 देख सकते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जो नए स्टूडेंट है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा, इन सबका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, और जो दोस्त अभी तक टिकटॉक से भी नहीं हमें टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है तो टिकटॉक पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा एसएससी मेकर सर्च करके। चलिए और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से,
इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे, ताकि आपको डेली सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।